हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता और आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं हाउ टू मेक बुकमार्क पार्ट टू। आज हम नए तरीके का एक बुकमार्क बनाएंगे एंड होप आप सबको पसंद आए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आने वाले वीडियोज़ को भी आप देख सकें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। तो पहले हमें क्या करना है, हमें एक फ्लावर बनाना है और उसको जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ड्रॉ कर लें और हम उसको कट कर लेंगे। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, फेविकॉल, सीज़र, एक थोड़ा हार्ड पेपर जिसमें हम ड्रॉ करेंगे और कलर चाहिए होगा हमें। तो हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिया और मैं यहाँ पे से उसके उसी शेप में कट कर दे रही हूँ। आप बिल्कुल स्टेप वाइज फॉलो करते जाएं तो आपके लिए ये इजी होगा, बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली कट करना है और सो दैट हमारा जो ड्रॉ किया हुआ पार्ट है वो कट ना हो जाए। बहुत ही केयरफुली जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कट करिए। आप स्टेप वाइज फॉलो करते जाएं इसे।
यहाँ पे हम इसके अंदर का अंदर के जो एक और फ्लावर का शेप मुझे देना है अंदर में, तो उसके लिए बस मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है आउटर, सो दैट मैं इनर फ्लावर उसी शेप में ड्रॉ करके कट कर सकूँ। तो मैं अभी इनर फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, अंदर मैं उसे उसी शेप में कट करूँगी। रियली सॉरी बैकग्राउंड नॉइज को आप इग्नोर करें, वो ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बहुत ही छोटा सा, और उसको भी कट करके अलग कर लेंगे। अब हमारा पार्ट आता है कलरिंग पार्ट, इसके लिए मैंने ब्रश लिया है और यहाँ पर मैं तीन कलर का यूज़ कर रही हूँ, एक ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लैक फॉर राइटिंग एंड ऑल। तो ये सारे कलर मैंने लिए, मैंने पोस्टर कलर्स की यूज़ किए हैं। आपके पास अगर वाटर कलर है आप वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं।
जो बीच का सर्कल पार्ट था उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया। नाउ इनर फ्लावर को हम पेंट करेंगे रेड कलर से। यहाँ पे मैं उसकी जो स्टेम बनी हुई है उसको पेंट कर रही हूँ और लीव्स को पेंट करूँगी। वो मैं लाइट ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप अगर डार्क ग्रीन का यूज़ करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, बट लाइट ग्रीन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने लाइट ग्रीन को यूज़ किया है। अब हमें इनर पार्ट ऑफ फ्लावर को ड्रॉ कलर करना है और वो हम रेड कलर का यूज़ करके ड्रॉ कलर करेंगे। कलर चॉइस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही कलर का यूज़ करना है। आप अपने फेवरेट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं।
अब आता है कलरिंग का सबसे लास्ट और फाइनल पार्ट जो कि हम येलो कलर से कर रहे हैं। आप यहाँ पे फिर अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। हमारे सारे पार्ट्स कलर हो चुके हैं। अब हमें इसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लैक डॉट जो कलर किया था ब्लैक कलर से, उसको रेड के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। बहुत ही केयरफुली आप सेंटर में ही इसे लगाइएगा। फेविकॉल की मदद से आप सेंटर में ही इसे पेस्ट कीजिएगा। हम इस रेड पार्ट को येलो के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंप्लीट। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि बुकमार्क विदाउट कोट इनकम्प्लीट होता है, तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कोट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, एन्जॉय द लिटिल थिंग्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।